हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है जी आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जी विनिपेग के करंट सिनेरियो के बारे में। बहुत लोगों की चिंता बनी हुई है पीआर को लेके, जॉब सिनेरियो क्या चल रहा है यहाँ पे, और जो भी लोग नए स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं या जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो ग्राउंड रियलिटी क्या है जी विनिपेग के हाल चाल जो हैं वो इस वीडियो में आपको करंट सिनेरियो जो है वो बताया जाएगा। तो जी आप सबसे पहले तो मैं सॉरी फील करना चाहूँगा, बहुत सारा टाइम हो गया, तकरीबन 2 महीने से कोई भी वीडियो मैंने नहीं डाली। उसके सेवरल रीज़न से बहुत चीज़ें चल रही थी लाइफ में, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यूसली आपको वीडियो देता रहूँ। तो जी सिनेरियो की अगर बात करें, ग्राउंड रियलिटी की बात करें, सबसे पहले अगर न्यू स्टूडेंट्स की बात करें जो भी विनिपेग में आ रहे हैं, तो जॉब की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स जनवरी इनटेक में आए हैं। क्योंकि जनवरी में ऐसा सिनेरियो रहता है जी कि जनवरी टू मार्च जो भी काम होता है, जो जॉब्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ रिटेल सेक्टर की, तो वो सारे का सारा जो है, या फिर मतलब कि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का जो मतलब कि आउटर में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, वो सारा डाउन हो जाता है। और रिटेल तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लोग बाहर जाना कम पसंद करते हैं, जिससे जो सेल है वो डाउन हो जाती है, और जो मतलब कि स्टोर वगैरह हैं वो आवर्स आपको कंटिन्यूसली नहीं देते। इसके बाद में अगर पीआर का सिनेरियो देखा जाए जी, जो आज के टाइम पे जो मैनीटोबा की पीएनपी का जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है, तकरीबन 750 के आसपास तक अभी गया है। क्योंकि 2 महीने ड्रॉ पॉज किया गया था, उसके बाद में जो ड्रॉ निकला था वो 800 के करीब निकला था, फिर थोड़ा थोड़ा भी डाउन होता जा रहा है, लेकिन लास्ट डोट जो निकला है तकरीबन 750 के आसपास निकला है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो कट ऑफ है वो नीचे चली जाएगी। लेकिन ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जी सबसे ज़्यादा जो के लोग विनिपेग में मूव किए हैं दूसरे प्रोविंसेस से। कोई ओंटारियो से आया है, कोई ब्रिटिश कोलंबिया से आया है, कोई मॉन्ट्रियल से आया है, इधर उधर से जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, मतलब कि जो अपनी स्टडी दूसरी प्रोविंस में करके यहाँ पे पीआर के लिए मूव हुए हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता है कि स्टडी का 100 पॉइंट्स काट लेते हैं ये लोग, और 100 पॉइंट्स आपके वर्क एक्सपीरियंस का काट लेते हैं। जब आपका 200 पॉइंट्स माइनस हो जाता है, तो आपका जो कट ऑफ है वो मीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं बात करूं जो स्टूडेंट्स करंटली मैनीटोबा में आए हैं डायरेक्टली, कि उन्होंने कहीं भी दूसरी प्रोविंस में कोई स्टडी नहीं की, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस गेन नहीं किया, उन लोगों के लिए पीआर लेना यहां पे स्टिल इजी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी इन प्रोसेस सारे का सारा जो काम चल रहा है स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें वही घुमा फिरा के, जॉब्स एंड पीआर दो मेन कंसर्न रहते हैं जी सारे लोगों के। जॉब्स की अगर मैं बात करूं कि क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कोई रेफरेंस के लिए कि कहीं पे हायरिंग चल रही है तो बता दीजिए, तो उसके सेवरल रीजंस हैं जी जो आपको ग्राउंड रियलिटी पे जाके समझने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है कि कैनेडा सरकार ने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें उन लोगों ने जो रिस्ट्रिक्शन थी 20 आवर वाली स्टूडेंट्स के ऊपर, वो सारी की सारी हटा दी थी कि अब स्टूडेंट्स अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, कंपटीशन बढ़ गया जी। सेकेंडली विनिपेग में जो ये 2-3 महीने होते हैं यहाँ पे काम आके वैसे ही स्लो हो जाता है, राइट, विंटर की वजह से या और बहुत सारे रीज़न होते हैं, स्नो पड़ जाती है, लोग नहीं आते, सेकेंड रीज़न वो हो गया जी। थर्ड रीज़न देखिए, ग्राउंड रियलिटी में जो मैं फील करता हूँ, जितने लोगों से स्टूडेंट से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, वो लोग उतना ज़्यादा रेलेवेंसी के साथ अपनी जॉब को सर्च नहीं करते। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी वीडियो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैंने डाली हुई हैं अपने चैनल पे, अगर मैं सबसे कम व्यूज़ देखूँ तो वो आए हुए हैं जी कि हाउ टू मेक रेज्यूमे, वो वीडियो पे सबसे ज़्यादा कम अगर मैं व्यूज़ हैं तो क्यों है, क्योंकि लोग एफर्ट करना पसंद नहीं करते। लोगों को बनी बनाई खाने की आदत है कि हमें कोई बता दे, कोई फ़ोन कर दे कि भाई हमारे पास जॉब है आप आ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला जी। आपको खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे। कैनेडियन स्टाइल और इंडियन स्टाइल रेज्यूमे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको एक अच्छा रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, एक अच्छी जो भी आप जॉब सर्च कर रहे हैं उसको टारगेट करके, ऐसा नहीं कि आपने एक रेज्यूमे बनाया सभी जगह वो बांटते फिर, इट्स अ गार्बेज, राइट, आपको कभी भी कॉल नहीं आएगा। तो वो वीडियोज़ भी आप देखिए, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी या चैनल पर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। अपना टाइम निकालिए, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो आप किसके लिए टाइम निकालेंगे, राइट। तो रेज्यूमे अच्छा सा बनाइए और वहाँ पे जाके आप खुद से काम कीजिए।
और उसके बाद में जी बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए अगर मैं 2 साल पीछे की बात करूं तो विनीपेग आना लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था या लोग आना नहीं चाहते थे इसकी सर्दी को लेके। तो कहीं ना कहीं जो पिछले साल से जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। अब स्टूडेंट डायरेक्टली यहाँ पर आना पसंद कर रहे हैं, PR को लेकर अवेयरनेस होती जा रही है लोगों को। यहाँ पर लोगों के अभी दोस्त रिलेटिव्स कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, वो सही गाइड उनको कर देते हैं कि अगर आपको आसानी से PR चाहिए तो आप विनीपेग को एक अच्छा ऑप्शन मान सकते हो। तो इसके लिए क्या हो रहा है जी कि आपको PR के लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो PNP प्रोग्राम्स हैं, हर एक प्रोविंस को एक कोटा दिया जाता है कि भाई आपके पास 5,000 PNP आप नॉमिनेशन दे सकते हैं, 10,000 दे सकते हैं। तो नॉमिनेशन का जो नंबर है वो तो वही है, लेकिन अभी पहले स्टूडेंट्स नहीं होते थे तो कट ऑफ नीचे होता था। अभी स्टूडेंट्स आना ज़्यादा स्टार्ट कर चुके हैं, लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई जा रहा है। कॉम्पिटिशन आपस में स्टूडेंट्स के बीच में ही बहुत ज़्यादा हो गया, तो बाहर वालों को PR लेना थोड़ा सा मुश्किल होता नज़र आ रहा है। बट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले दिनों में जो भी ड्रॉ है वो नीचे आएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैं दो चीज़ें रिकमेंड करूँगा। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी थोड़ी बहुत बेनती है, अगर कोई रेफरेंस हमारा मतलब के वीडियो देखता है या कोई भी है ना, ऐसा सीनेरियो बन सकता है कि आपको कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन तो ऐसा निकालना पड़ेगा कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो स्पेशली मूव करके आए हैं, वो लोग डिप्रेस्ड हैं, वो बहुत टेंशन में हैं, राइट। 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गए लोगों को मेहनत करते हुए, राइट। बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है ग्राउंड रियलिटी पे जो काम करना, राइट, सुबह शाम मेहनत करना, फिर अपने आप को सेटल करना, फिर डेली मोटिवेट करके काम पे जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको कोई ना कोई रेजोल्यूशन उनका निकालना चाहिए ताकि सारे के सारे जो बंदे हैं वो आसानी से PR ले सकें। सेकेंडली मैं एक रिकमेंड करना चाहूँगा जी उन स्टूडेंट्स को जो भी प्लान कर रहे हैं कैनेडा आने का, आप अपना जो डिसीजन है वो ये सोच के मत लीजिए कि मेरा कोई दोस्त है वो इस प्रोविंस में बैठा है, मेरा कोई रिलेटिव है इस प्रोविंस में बैठा है। आपको जब आप यहाँ पे लैंड हो गए ना तो जो करना है वो आपको ही करना है। आपको PR लेनी है, आपको काम करना है, आपको स्कूल जाना है, आपको ही सब कुछ करना है। तो आप थोड़ा सा सेल्फिश होके अपना डिसीजन बना के आइए और ग्राउंड रियलिटी पे चेक कीजिए कि आपके लिए PR के जो ऑप्शंस हैं वो कहाँ पे बेहतर हैं। थोड़ा सा एफर्ट डालिए खुद के लिए, क्योंकि अगर आप खुद पे वर्क करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए जो फ़ायदा होगा वो आपको ही होगा। तो जी ये छोटा सा सिनेरियो था जॉब का। जॉब थोड़ी सी मुश्किल है अभी लोगों के लिए लेनी, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मौसम खुल जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो जॉब्स हैं वो दोबारा से मतलब के बिल्डअप होती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू हायरिंग्स होती हैं, तो सबको जॉब ईजिली मिल सकती है। सेकेंडली PR का मैंने आपको बता दिया, जो नए आने वाले हैं चलो वो तो एटलीस्ट आप अपना डिसीजन अच्छे से बना के आइए, बाकी जो यहाँ पे हैं उनका तो चलो ऊपर वाला कुछ ना कुछ करेगा ही। कैनेडा से कोई वापस तो जाने वाला नहीं है बिना PR के, ये तो फॉर श्योर है। तो उम्मीद करेंगे जी वीडियो आपको छोटी सी जो बनाई है वो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। उम्मीद करूँगा कि आने वाली वीडियोज़ मैं थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप लोगों के लिए लाता रहूँ और आप ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। थैंक यू so much.